और मेरे को तो ऐसे करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, आप मन खूबसूरत है इसीलिए खुद भी खूबसूरत है। मेरा क्या चलो इनके ऊपर फिदा हो गई है, कितना खूबसूरत है देखो तो, तभी ऐसा लगता है वो हनुमान जी के शरीर में आ गए। और मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा लड़का भी ऐसा होना चाहिए। बस इतनी महान हस्ती है तो उनका एक तो रूबरू दर्शन करने, बस हर एक इंसान को इच्छा तो होती है इनके भगवान के दर्शन करें। हम तो उनको ऐसे ही मानते हैं, बस एक बार दर्शन हो जाए रूबरू, हम अपना दर्द दुख सब भूल जाते हैं। करें ऐसे इनको बहुत अच्छा लगता है, इसको देख के बहुत खुश हो, बहुत जिंदगी में 40 साल हुआ मैं कभी खुशी नहीं हूँ, मेरे को आज बहुत खुशी। हम सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम है भावना महेश्वरी। आपका? भारती। आपका? मीना। और आप? गंगा। अच्छा, कब से आप सभी लोग बागेश्वर गुरु जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं? एक साल दो एक साल हो गया। क्या अच्छा ही नजर आती है आपको बागेश्वर गुरु जी? अच्छा ही, यहाँ मानते हैं तभी तो यहाँ पे आए हैं ना, बहुत मानते हैं। लेकिन बाबा तो बहुत है ना भारत में, आपने इनको ही क्यों सुना? नहीं, हमको इन पर विश्वास हुआ उन पे ऐसे कि नहीं जो दिख रहा है वही सच है। दरबार में बैठे थे आप? हाँ, हम बैठे थे दरबार। हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दिव्य दरबार, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या देखा था आपने दरबार में? सब जो ऐसा नहीं है कि जो वीआईपी कोई बुलाते, हर घर को किसी कोने में किसी भीड़ में से किस कोने में, वो बात बहुत अच्छी लगी कि नहीं बाबा है ना वो नहीं पार्सलिटी नहीं करते, सब अच्छी। आगे लोग बोलते हैं कि जो आगे लोग बैठते हैं ना उन्हीं को केवल बुलाते हैं बाबा। नहीं, ऐसा नहीं है, बैठे थे उनके दरबार में लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उनके दरबार में सब एक ही समान है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जब दरबार में सब एक ही समान है और ऐसा ये भी नहीं है कि वो सिर्फ आगे से ही लोगों को बुलाते हैं, तो फिर लोग आगे बैठने के लिए परेशान क्यों रहते हैं कि हम आगे बैठ जाएं? हमारा देखने के लिए, देखने के लिए, ताकि वो आगे से हम उनका चेहरा देख पाए, अच्छे से उनका चेहरा देख के ही खुशी मिलती है। तो लोगों को उनका चेहरा इतना पसंद है? हाँ, देखते हैं भैया, हम अपना दर्द दुख सब भूल जाते हैं। करें ऐसे इनको बहुत अच्छा लगता है, इसको देख के बहुत खुश हो, बहुत जिंदगी में 40 साल हुआ मैं कभी खुशी नहीं हूँ, मेरे को आज बहुत खुशी। हम चार दिन यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा चार दिन में हम सब कुछ भूल गए, बस यहाँ आना अच्छा लगा। हमको ऐसा लगता है क्यों है घर में जो प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम है, लेकिन इधर पाँच दिन सब हम भूल गए सब, और ऐसा लगता है नहीं सब अभी अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम भूल गए या ठीक हो गए ये बताइए? ठीक हो गई, थोड़ी बोलूंगी, थोड़ी आधी तो ठीक ही हो गई, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बागेश्वर धाम चमत्कार एक धाम है। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ चमत्कार होते हैं, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो आपने कहा आप भूल गई, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे कि भूल गई या ठीक हो गई आपकी? नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे लगा कि आधी ठीक भी हो गई और यहाँ आके सुकून मिला, ऐसे सुकून मिला। हाँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमको ये बहुत था कि हमारी अर्जी लगे, हमारी अर्जी लगे तो हमारा अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे बाबा जी को, हमारी फिर नहीं हुई, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं फिर भी हमारी तकलीफें दूर हो गई है। फिर भी अर्जी नहीं लगी ना, उधर हमको दरबार में नहीं बुलाया गया, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी आधी तकलीफ तो दूर हो गई है, क्योंकि बाबा ने बोला था ना कि आपकी अर्जी सबकी अर्जी लग जो भी आए सबकी अर्जी लग गई। एक ही सपना है कि बाबा जी से मिलना है, बस हमको एक बस एक बार हमको उधर जाना है, दिव्य दरबार जाएंगे तो उधर बाबा जी मिलेंगे ना। हाँ, बाबा जी का टाइम टेबल रहता है, उस टाइम पे जरूर मिलते हैं। बस हमारी इच्छा है कि एक बार हम उनसे मिल पाए। एक चीज बताइए आप मुझे, जब आपने बुला के हमें लालसा नहीं है हमारा पर्चा बन जाए, तो फिर अब आप क्यों मिलना चाहते हैं? जब मिलेंगे तो वो पर्चा बनाएंगे आपका, फिर क्यों मिलना चाहते हैं? बस इतनी महान हस्ती है तो उनका एक तो रूबरू दर्शन करने, बस हर एक इंसान को इच्छा तो होती है इनके भगवान के दर्शन करें। हम तो उनको ऐसे ही मानते हैं, बस एक बार दर्शन हो जाए रूबरू। ये कथा करते हैं तो ऐसे खो जाते हैं कि ऐसे खो जाते हैं कि क्या होता है पता नहीं, वो बोल शब्दों में नहीं बोल सकते, ऐसा फील होता लेकिन है। लेकिन हमने तो देखा है, अगर इनकी कथा की बात नहीं करें और औरों की कथाओं की बात करें, लोग बैठे बैठे सो रहे होते हैं, इधर उधर टाकरे झाकरे होते हैं, यहाँ आप कैसा लगता है कथाओं? बहुत अच्छा, ये तो एंटरटेनमेंट भी करवाते हैं ना, जो इनके ये लुक होते हैं ना ये वो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे वो ऐसे करके ताली मारते हैं,
अच्छा, पहले कभी आपने ऐसा अनुभव किया था बागेश्वर गुरु जी का, जैसे आपने यहाँ आके पहली बार देखा है, तो अब आपके अगर मान लीजिए 100 या 150 या 200 किलोमीटर दूर बागेश्वर गुरु जी की कथा हुई, क्या आप मिस कर पाएंगे? हाँ मिस करेंगे, नाम पक्का जाएंगे, मिस नहीं करेंगे, जाएंगे आप, जाएंगे 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 जाएंगे। बागेश्वर धाम आप सभी लोग कब आ रहे हैं? बहुत ही जल्दी, जब अर्जी लगेगी तब आ जाएंगे। वैसे तो मन में रखा ही है कि कब पहुँचे, कब पहुँचे, एक बार तो आना ही है, बस एक बार तो जाना ही है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी बागेश्वर धाम पर मार्च महीने में 121 देरी बेटियों का विवाह होने वाला है, जो सुनने में आया रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, किसी को पैसा नहीं देना है, 51 फुल सामान, बाइक और सोने के कुछ जो गहने होते हैं वो भी दे जाएंगे, तो इस कार्य को आप कैसे देखते हैं जो उनके द्वारा किया जा रहा है? तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब माँ पहले भी किया था, और गरीब जो नहीं कर सकते वो बाबा इनको कितनी मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बहुत आगे बढ़ गए हैं ना, कि ये लालची नहीं है, जैसे दो 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 वैसे नहीं है, ये सबको दे रहे हैं, सबके लिए सब कर रहे हैं, वही अच्छा है ना। और कन्यादान तो सबसे बड़ा दान है। जी जी, एक चीज और बताइए, इनकी कथाओं में ना युवा लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है ये ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, सही सही बात है, इसका क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो खुद भी है ना, वो खुद भी इनके ऊपर फिदा हो गई है, कितना खूबसूरत है देखो तो, क्या उनको बाबा कहना सही है? नहीं 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 नहीं, छोटी उम्र में कोई भी कथा नहीं की है, ये बाबा की है, सब मोरारी बापू आसारी बापू सब ने की है वो, ये छोटी उम्र में। अच्छा बागेश्वर गुरु जी की खूबसूरती का राज क्या है, आपसे ये जानना? खूबसूरत है इसीलिए खुद भी खूबसूरत है। मेरा क्या पूछने का सवाल ये था, क्या वो आपको लगता है मेकअप वगैरह ये सारी चीजें करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो सब रियल है, वो नेचुरल है, वो सब नेचुरल है, वो कुछ भी मेकअप वेकअप नहीं है, और उनके ऊपर तो हनुमान जी का हाथ है, खुद ब खुद जब भी वो कथा लेता है वो अध्यात्म की चमक है उनके चेहरे पे, सही बात है, इसीलिए ऐसा लगता है कि खुद साक्षात हनुमान जी ही बैठे हैं, जब ये कथा करते हैं ऐसा लगता है ना जब कि हाँ कि ये खुद इनके अंदर ही हनुमान जी आ गए, ये हनुमान जी कर रहे हैं, हाथ वो गता लेता है ना तभी ऐसा लगता है कि वो हनुमान जी इसके शरीर में आ गए, और मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा लड़का भी ऐसा होना चाहिए। हम इतने दिल से मानते हैं तो हमारी भी सब इच्छाएं पूरी हो जाए, सब जो भी बाबा के पास मांगा ना वो सब मिल जाए, सब मिल जाए। एक चीज और बताइए, जब आप कह रही है सबको सब कुछ मिल जाए, ये सभी लोग है ना गुरु जी के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, अगर आपको मौका मिले उनके पास जाने का तो क्या आप उनको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहेंगे? उपहार में? जी जी, उपहार में जो इनके ज्यादा पसंद है ना वो देना चाहेंगे, लेकिन वो तो अपने कुछ पसंद ना पसंद बताते ही नहीं है कभी, उन्हें तो केवल बस यही है कि सभी लोग बालाजी की भक्ति करें, यही उनको पसंद है सबसे ज्यादा, तो वही करेंगे, वही करेंगे, वो हनुमान चालीसा करेंगे, हाँ हम भक्त हैं तो बस उनकी भक्ति करेंगे, और क्या। 5 दिन इधर थे, हमको इतना अच्छा लगा, हम जल्दी जल्दी काम करके चलो जाना है जाना है, अभी कल ऐसा लगता क्यों गए बाबा, ऐसा मन में लगे क्यों गए, एक दिन रुक जाते तो एक दिन रुक जाते तो ऐसा बहुत चले गए ना, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है रौनक चली गई, सब कुछ चला गया, जाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे लगता था जल्दी जल्दी काम निपटा के बस वहाँ जाना है, बस वहीं जाना है, अब अचानक से एकदम सब कुछ सब सुना हो गया, सब सुना हो गया, कल इधर कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद सीता, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को तो ऐसे करते ना वो